आज हम बनाने जा रहे हैं काठियावाड़ी मसूर दाल। इसके लिए हमने क्या किया है, ये मसूर दाल है, छिली हुई मसूर दाल, इसको धोकर और भिगोकर रखा है आधा घंटे। इस ये जो दाल है ये बहुत जल्दी पकती है, इसलिए हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। यदि आप मसूर दाल बनाएं, धुली हुई मसूर दाल, चिकनी वाली मसूर दाल बना रहे हो तो कुकर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो वो लेई जैसी बन जाती है। और चूंकि ये हम काठियावाड़ी मसूर दाल बना रहे हैं तो इसमें प्रोमिनेंट फ्लेवर जो आएगा वो आएगा टमाटर और गार्लिक का। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मसूर दाल, उसके बाद गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती, जीरा, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ढेर सारे टमाटर, अदरक और लहसुन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं काठियावाड़ी मसूर दाल। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल लेते हैं थोड़ा सा तेल, और तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। और इसके बाद सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम लगभग आधा चम्मच जीरा, और जैसे ही जीरा क्रैकल होने लगता है उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। ये जो रेसिपी है इसमें तेल में ही ड्राई मसाले डाल दिए जाते हैं, बाकी रेसिपीज में ड्राई मसाले बाद में डाले जाते हैं। तो ये हमारा जीरा क्रैकल हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हम थोड़ा सा काली मिर्च, ये हमने फ्रेशली इसको मोटा मोटा कूट लिया है, बहुत बारीक नहीं करना है। इसके साथ ही आधा चम्मच काली मिर्च, एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, लाल मिर्च आप स्वादानुसार ले सकते हैं, मैं आधा चम्मच ही लूँगा, और साथ में गरम मसाला, ये गरम मसाला भी एक आप 3/4 teaspoon ले लें। और इसको ये सारे मसाले को मिक्स कर देना है, जल्दी जल्दी मिक्स करना है, जले ना, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और जैसे ही ये मसाले मिक्स हो जाते हैं हम इसमें ऐड कर देंगे ये दाल। और अब मसालों के साथ इस दाल को रोस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक थोड़ा फ्लेम को बढ़ा लेते हैं और इसको 2-3 मिनट तक भून लेना है। जब आप दाल को भूनेंगे तो दाल का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा, और इसको लगातार चलाते रहना है ताकि जो दाल है इवनली रोस्ट होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है, और थोड़ा थोड़ा ऑयल जो था वो सेपरेट होने लगा है। इस समय क्या करना है, इस समय इसमें ऐड करने हैं ढेर सारे टमाटर। लगभग 200 ग्राम दाल में आपको 300-400 ग्राम टमाटर डाल देने हैं, और टमाटर डाल के इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद टमाटर जल्दी पकें, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इसमें नमक डाल दें। तो ये नमक डाला इसके अंदर, और अब इसको एक बार चला लें। चलाने के बाद इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है, 3-4 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि टमाटर अपना जूस छोड़ दें और वो जो जूस है दाल के अंदर तक समा जाए। जब तक ये दाल हमारी पक रही है टमाटर में, तब तक क्या करना है, पेस्ट बनाते हैं जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और थोड़े से टमाटर बचा के रखें ताकि ये आसानी से पिस जाए, इस टमाटर का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक पेस्ट बना लेते हैं हम।
इसमें डालेंगे हम लगभग 10 कलियां लहसुन की। इसके साथ ही डाल लेंगे ये एक छोटा टुकड़ा आधा इंच का अदरक का। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, और ये थोड़ा सा बचा हुआ टमाटर। तो अब इसको हम पीस लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। दाल पे नजर मारते हैं क्या पोजीशन है। दाल पक रही है, अभी टमाटर पूरी तरह से पके नहीं है। क्या करना है, इसको कवर करके 2 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, एक बार इसको मिक्स करें ताकि ये जो टमाटर है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इसमें डालना है हमें ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था, अदरक लहसुन हरी मिर्च और थोड़ा सा टमाटर डाला था, ये पेस्ट इसके अंदर। और इसके बाद इसको थोड़ा सा और मिक्स करना है और इसको 1 मिनट हमें पकाना है। आप इसको 1 मिनट के लिए कवर करके भी रख सकते हैं, तो हम इसको कवर करके रख देते हैं ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और जो लहसुन अदरक का फ्लेवर है वो पूरी तरह से दाल में आ जाए। तो लगभग 1 मिनट तक इसको ऐसे ही ढककर धीमी आंच पर रखे रहने दें, 1 से 2 मिनट तक रखे रहने दें और उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और दाल में पूरी तरह से अदरक लहसुन हरी मिर्च सारे फ्लेवर आ गए हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हैं टमाटर का जूस या पानी जो भी कह लें आप इसको, वो भी ऊपर आ गया है। अब हमें क्या करना है, आप चाहें अगर आप थिक दाल पसंद करते हैं तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के इसको गार्निश कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ी ग्रेवी जैसी होनी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो हम लगभग थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको हल्का हल्का सा मिक्स करना है और मिक्स करके फ्लेम को बढ़ाना है और चलाते हुए 1 मिनट तक पकाना है। जैसा कि मैंने बताया ये दाल बहुत जल्दी पकती है, इसको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता है। और अब फ्लेम को करें बंद, इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती और इसको सर्व करेंगे गार्निश धनिया पत्ती के साथ। एक सी दाल खा के बोर हो गए हो तो ये दाल जरूर ट्राई कीजिए, बहुत डिफरेंट बहुत टेस्टी लगती है। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई रेसिपी मैं यहाँ पर बनाऊं तो आप अपनी रेसिपी हमें मेल कर सकते हैं, हम यहाँ पर आपकी रेसिपी बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली बार बैचलर्स कुकिंग में।